बर्दाश्त ही नहीं हो पाएगा, गर्मी है हार्ड गर्मी रहता है। अब ये छोटा है ना, इसमें तो और गर्मी होगा। अच्छा, तो एक आदमी एक बड़ा अंडा खाते है, एक छोटा अंडा खाते है। देसला चिकन खाते हैं ना। पटेर हम वाश कर लिए हैं। रेसिपी तो ऐसा है कि देखिए, तो दोस्तों देख सकते हो बटेर आ चुके हैं और इसको धोके निकाल रहे हैं। ये देखिए देखिए, ये बटेर हम वाश कर लिए हैं, बढ़िया से इसको सफाई कर चुके हैं। और इसमें अब हम डालेंगे नमक। मैं नमक डाल दिया स्वाद अनुसार। हल्दी डाल दिए, हल्दी पाउडर जी। तो भैया इन बटेरों का साइज इतना ही रहता है, इससे बड़े भी आते हैं? थोड़ा सा बड़ा होगा, इससे बड़ा नहीं होगा। अच्छा, ये मिर्ची पाउडर है। जी हाँ, हम इसमें लहसुन पेस्ट डाल दिए और इसको मैरिनेट करेंगे। इसमें दही भी पड़ता है, मगर दही हम गए नहीं लाने, दुकानदारी के टाइम है। अच्छा, हाँ, दही डालकर इसको मैरिनेट करके छोड़ देंगे। कितनी देर के लिए छोड़ोगे? 10 मिनट। चलिए, तो दोस्तों बटेर को मैरिनेट कर दिया गया है, अब इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ रहे हैं। तो दोस्तों बटेर के लिए देख सकते हैं कोयला डाल दिया है इस तंदूर पे, और अब बटेर को फ्राई किया जाएगा। चलो अभी रोटी डालो मामा। तो अब हमारे 10 मिनट पूरा हो चुका है मैरिनेट का, अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो भैया इसको फ्राई करके बनाते हो? जी हाँ, इसको फ्राई करेंगे। फ्राई कर लेने के बाद इसके जो भी है क्रंची, कुछ जैसे तंदूर चिकन, तंदूर लोग खाने का पसंद करते हैं, इसको फ्राई भी यहाँ पर खाते हैं। अच्छा, फ्राई भी खाते हैं। किसी को ग्रेवी में नहीं अच्छा लगता है, तो उसको हम लोग ठंडी में, हमारा यहाँ बटेर 200 पीस निकल जाता है। 200 पीस निकल जाता है जी ठंड में। जी गर्मी में, अभी ठंडा में मेरे यहाँ मक्का का लिट्टी मिलेगा, मकई का आटा का लिट्टी और मटन हांडी और कबाब हुआ सब मिलता है, ताश भी मिलता है, नून तेला भी मिलता है। मटन के कई प्रकार के वैरायटी हमारे यहाँ है, बस ऑर्डर आने ही से मिलता है। ऐसे हमारे पास जो भी है दुकानदारी, मटन स्टू चावल जो कि दुकानदारी, हमारे पास किसी के पास टाइम नहीं ना जी, 10 से 15 मिनट खाने का टाइम मिलता है। यहाँ पर लंच होता है, लंच में हमारे ये दुकानदारी करना है। सही बात है। तो भैया सर्दी में ये जो बटेर रहता है उसका साइज भी बड़ा रहता है क्या? जी हाँ, अभी गर्मी है तो अभी बच्चा है वहाँ पाल रहा है, ठंडी में आप आकर देखिएगा, ठंडी के बाद ही अलग है। तो गर्मी में भी लोग बाग तो ये खाते ही हैं? हाँ, गर्मी में वही ऑर्डर से, अब देख रहे हैं आपके सामने ऑर्डर आया है तो अब हम बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों देख सकते हो बटेर फ्राई किया जा रहा है मैरिनेट करने के बाद। तो ये चिकन से अच्छा रहता है क्या? मतलब हैवी रहता है? हाँ, चिकन से तो थोड़ा इसका फ्लेवर भी, और चिकन से देसला चिकन खाते हैं ना, गर्मी बर्दाश्त ही नहीं हो पाएगा, गर्मी है हार्ड गर्मी रहता है। अब ये छोटा है ना, इसमें तो और गर्मी होगा। अच्छा, तो एक आदमी एक बड़ा अंडा खाते है, एक छोटा अंडा खाते है, अंतर तो जरूर दोनों में रहता ही है। तो इस छोटे वाले में ज़्यादा गर्मी रहती है? जी हाँ। बटेर हो चुका है, अब हम इसको निकालेंगे। हो गया फ्राई? जी हाँ, फ्राई हो चुका है। लग दीजिए। ये प्लेट में 1 पीस लगता है। अच्छा, हाँ, कितने रुपए का रहता है बटेर? चावल 150 रुपये। अच्छा, अगर पीस लीजिएगा सिर्फ यही तो 120 रुपये पड़ेगा। अब ये मेरा बटेर फ्राई हो गया, अब इसको हम ग्रेवी में डालकर ड्राई करेंगे। अच्छा, हाँ, सर्दी में इसका बहुत चॉइस है बटेर का, मटन और बटेर दोनों मेरा मैनी सर्दी में है। और तो भैया इसको किसके साथ मोस्टली खाते हैं, चावल के साथ या रोटी के साथ? भैया इसके साथ तो रोटी खाते हैं। रोटी के साथ जाता है? बढ़िया बढ़िया। मक्के की लिट्टी जब हम लोग बनाएंगे उसके साथ भी अच्छा लगता है। मक्के की लिट्टी यहाँ पर बनता है सर्दी में, लकड़ी के कोयले पर।
बटेर को पहले फ्राई कर रहे हैं और ये देखिए एक टाइप का तंदूर काइंड ऑफ सिगड़ी है और इसके ऊपर कढ़ाई रख दी है, उसमें सरसों के तेल में फ्राई कर रहे हैं इसको। यहाँ पर हमें कोई भी चीज़ बनाएंगे कच्ची घानी सरसों में, ये हो गया फ्राई, और इसको भी हम निकाल लेंगे। ये देखिए भाई, और दोस्तों अभी क्या है गर्मियों का माहौल है थोड़ा सा, तो इसमें ये साइज़ थोड़ा सा मीडियम का रहता है और सर्दियों में थोड़ा आपको बड़ा साइज़ देखने को मिलेगा। नमक एक पैकेट, गुड़ की है ये, हल्दी हो गया, लहसुन पेस्ट है, ये सूखा हुआ मिर्च, चर्बी डाल रहे हैं भैया के, थोड़ा बना लीजिए चर्बी डालो बना, सिर्फ इसमें चर्बी वाला जो चर्बी होता है जितना खोलता है डाल दीजिए भाई, एक तो पुस्ता डाल लेंगे। हाँ दो जगह ग्रेवी तैयार है, आँख को पानी मार लिया, नहीं तो आँख में ढूंढ कर आओ। और ये आ गया बटेर, ग्रेवी में हम इसको डाल दिए और ग्रेवी में डालने के बाद ये फूल जाएगा, तब इसका टेस्ट देखिए पूरा रेसिपी। थोड़ी देर ये मतलब सूखेगा है ना ग्रेवी को? जी हाँ ड्राई होगा, उसके बाद एकदम जूसी लगेगा कि नहीं? जूसी लगेगा। हाँ रेसिपी तो ऐसा है कि देखिए, तो ये ग्रेवी मटन की यूज़ करते हो? हाँ यहाँ मटन ही ग्रेवी लोग कहते हैं, बटर में चाहिए इसका जो है कि ग्रेवी, जैसे कढ़ाई होगा चिकन कढ़ाई होगा उसी की तरह इसका भी टेस्ट रहेगा। चलिए चढ़ाइए जी। चलिए तो ये बनके एकदम रेडी है जी। तो दोस्तों ये बटर बनके एकदम रेडी है और इसको थोड़ी देर ग्रेवी के अंदर छोड़ दिया था, चलिए इसको ट्राई करते हैं। ये देखिए भाई, ओ शानदार। तो दोस्तों देख सकते हैं ये बटेर बनके एकदम रेडी हो चुका है और एकदम शानदार लग रहा है। मोस्टली यहाँ पर सर्दियों में खाया जाता है इसको, बट हम चाह रहे थे कि बिहार में आपको दिखाएं बटेर किस तरह से बनाते हैं, तो बिहार में आपको बटेर मेकिंग पूरी दिखाई मैंने, तो चलिए इसको ट्राई करता हूँ मैं, चलिए देखते हैं कैसा टेस्ट रहता है इसका। ये देखिए जो इसकी ग्रेवी है ना वो देखो, ग्रेवी मटन की ही रहती है। चलिए टेस्ट करें, तो गाइस ग्रेवी एकदम चटपटी है और बटेर एकदम बढ़िया बना है और शानदार लग रहा है। अगर आप भी बटेर ट्राई करना चाहते हैं एकदम देसी स्टाइल में, बिहारी स्टाइल की ग्रेवी में, तो आप यहाँ पे आके ट्राई कर सकते हैं। इनके बटेर की कीमत 150 रुपये होती है, चार रोटी देते हैं और ये एक बटेर पूरा आता है। तो गाइस मोस्टली बटेर को एक्चुअली सर्दियों में खाया जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होता है, ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो इसको सर्दियों में खाना प्रेफर करते हैं लोग बाग, बट टेस्ट वाइज बहुत अच्छा रहता है, हेल्थ बेनिफिट बहुत अच्छे हैं इसके। अगर आप बटेर खाना चाहते हैं तो आप भी आ सकते हैं चंपारण मीट हाउस, जो कि बिहार पटना में है, पूरा एड्रेस आपको बायो में मिल जाएगा। तो गाइस मैं इसको एंजॉय करता हूँ और आप यहाँ पे आने का प्लान बनाइए, मैं आपको मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। थैंक यू सो मच गाइस। क्या क्या रखते हैं आप? मटन है, चिकन है, मछली है, बटेर है, मटन हांडी है, चिकन हांडी है, लिट्टी है। क्या टाइमिंग रहता है सर आपका? मॉर्निंग 9 बजे से शाम 6 बजे तक। तो एक बार लोकेशन बता दीजिए। ये हुआ आपका मैंगलेश रोड और बगल में निर्वाचन विभाग है, 13 नंबर गेट के बगल में हाउस नंबर 12 है, जो अभी वर्तमान में आलोक कुमार मेहता जो राजस्व भूमि सुधार मंत्री है उन्हीं के हम गेट पे हैं।